हाले हलका दे विच अज असी गल करांगे पठानकोट हलके की। पठानकोट के 1,55,000 वोटर ये तय करनगे कि इस बार पठानकोट किसका राज होवेगा। पठानकोट मौजूदा विधायक अमित विज वालों 2017 अश्विनी शर्मा को हराया गया सीगा। इस बार फिर दोबारा अश्विनी शर्मा जो कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने पठानकोट चो इलैक्शन लड़ रहे ने। अमित विज उन्होंने सामने ने कांग्रेस तो चुनाव प्रचार कर रहे ने। इस बार आम आदमी पार्टी तो विभूति शर्मा भी चुनाव मैदान दे विच ने और अकाली दल भी अलग इलैक्शन लड़ रहा है और बसपा की सीट के उत्ते एक कैंडीडेट अकाली दल बसपा ने एडवोकेट ज्योतिपाल नू उतारिया होया। असी लोगों के कोल जावांगे पुछांगे लोगों की हर एक वो समस्या जिहड़ी ये 5 साल दे विच हल नहीं हुई और किन्ना विकास पठानकोट का इन्हां 5 सालों च होया है हर एक पहलू ते नज़र पावांगे। अजय महाजन, जी मीडिया, पठानकोट। विधानसभा हलका पठानकोट च असी मौजूद हैं। कुछ नौजवान इत्थे मेरे नाल ने। नौजवान किहना मुद्दे नूं लैके इस बार वोट पाउणगे, पठानकोट विच की काम होए आ, की होण वाले आ, इन्हां तों जाण लैणे आ। जनाब, किहना मुद्दे नूं लैके तुसीं वोटिंग करोगे इस बार? देखो जी, असीं चाहुंदे आ साडे पठानकोट दे विच नालियां दी सफाई है जिहड़ी काफ़ी होई है और होस्पिटल दे विच पानी बहुत आंदा सी, शैड बने है सारे लभदे है। डलोजी रोड दे विच जाके देखो शहर का विकास पता लगता है। एंटर करदे आ असीं गुरदासपुर हनुमान चौंक च जाने आ देखदे आ ते लभदा उत्थे विकास होएगा, शहर की सुंदरता जिहड़ी है देखण नूं मिली है। तो इस करके असीं डिवेलपमेंट यही कहिंदे आ कि जो भी आंदा असीं डिवेलपमेंट यह चाहते हैं कि वधिया तरीके का पठानकोट का विकास करे। थोड़ा की कहना जी इस बारे? हाँ जी, साडा कहना यही है कि सच्ची पठानकोट दे विच विकास होया और काफ़ी जिदा कि कई वार्डों के जिदा कि गंदा पानी आता सी वो समस्या हल हो चुकी है। तो इन्होंने कई कंपनियां भी खोलिया, कई नौजवानों को जॉब वगैरह भी दी है। तो यही कह सकते कि वाकई ही पठानकोट में डिवेलपमेंट होनी चाहिए है। तो अगे इलेक्शन में यही है कि रिपीटड होए जो भी काम होए। थोड़ा की कहना जी इस बारे? सर, डिवेलपमेंट तो हुई है जी। देखो, डिवेलपमेंट का ना ये नहीं हों कि गलियां नालियां बनातियां, असी उन्हां दी प्रॉपर एक सिस्टम के नाल जिदा इन्हां चो अज हो रहा है कि प्रॉपर सीवरेज भी पै रही है, उस तो बाद पाइपा पै रही, दैन आफ्टर ईच एंड एवरीथिंग उदे उत्ते सड़क पै रही है, ता कि पुटनी ने पहले की हुंदा ही अज बनाई है, उस तो बाद पुटन लग पे जी, नैक्सट डे पुटन लग पे। अज जो भी चीज़ आ साडे शहर च हुई है बिल्कुल सिस्टमैटिकली ढंग दे नाल हुई है एंड असी बड़ा खुश हाँ। हुण अज डलोजी रोड ते शाम नूं चल जाइए असी तो इदा लगता जी जिदा लंडन घूम रहे हाँ असी, बहुत वधिया डलोजी रोड करता और बाकी भी सड़क साढ़े शहर दियाँ बहुत वधिया करती हैं। अज जिहड़ी भी सरकार है जो भी है बहुत वधिया चीज़ करती है जी। थोड़ा की कहना जी, काम होया किहड़े काम जिहड़े हैगे आ थोड़ू लगता है कि होर होने चाहिए है, कुछ होर डेवलपमेंट जिहड़ी हैगी जिहड़े पक्ष रह गए हैगे ने, थोड़ा की कहना? थोड़ा साफ सफाई नूं लैके थोड़ा जिहा हैगा बट अनसैटिस्फाइड हैगे आ कि बहुत डिवेलपमेंट की है सरकार ने। मेंटेनेंस भी ठीक हैगी है कि यह नहीं कि अज सड़क बन गई है तो उस तो बाद कोई ख्याल नहीं, इन्होंने प्रॉपर मेंटेनेंस के वाल भी ध्यान दिता, कोई होए साफ सफाई का पूरा ध्यान दिता, वधिया रहा काम। कुछ कमियां नहीं, खास नहीं कुछ कह सकते, इन्नी नहीं कहीं कह सकते। थोड़ा की कहना जी, कुछ काम कुछ होने वाले हैं, कुछ होर डेवलपमेंट होनी चाहिए है, कई इलाके जड़े सड़क बनी हैं, नाले साफ हुए हैं, सड़क के उपर जे नाले थे उनके उपर शैडा पईया, बहुत वधिया काम होया, नाल साडा दिलों दी रोड भी बहुत वधिया हो गया, नाल होर भी बड़े फ्लाईओवर भी बन रहे हैं। किना मुद्दा लैके तुसी वोट करोगे इस बार? यही जो सही सही डेवलपमेंट हुई है उहदे करके करांगे। थोड़े की कहना जी, कुछ हैगियां कमियां, कुछ काम जिस पासे नहीं होए हैगे? देखो जी, कमी तो कोई नहीं हैगी, शहर च साडे MLA साहब ने बहुत ही ज़्यादा विकास कराया है, सारिया सड़क देख लो, कोई पठानकोट की ऐसी सड़क नहीं होनी जिथे काम ना लगा होए जां ना रिपेयर होई होए, सारिया नवीं पईआं सड़क बहुत ही चंगी तरह काम होया साडे पठानकोट के MLA साहब ने किया है, तो असी यही काम के आधार से उन्होंने वोट पावांगे तो एक बार फिर रिपीट करांगे। बिल्कुल, थोड़ा की कहना जी इस बारे, तो कुछ कड़ा इलाका थोड़ा और की काम होने बाकी ने? देखो जी, मेरा इलाका हैगा आनंदपुर रड़ा, ठीक है, उत्थे नो डाउट काम होए हैगे आ,
इस गलों इग्नोर नहीं कर सकते है सरकार नूं कि काम सरकार ने कुछ नहीं किया। गालां तो देखो हर एक नूं पैंदियां, ठीक है ना, माड़ा तो हर किसी बंदा निंद सारे नूं दिंदा हैगा, पर काम जिन्हें करवाना उन्हें करवाना ही हुंदा, भावें सरकार कांग्रेस आए भावें बीजेपी आए भावें आप आए। और देखो बंदे ते डिपेंड हुंदा किद्दां दी हस्ती हैगी है, किद्दां दी हस्ती आपां चाहुंदे आ, साडी आप दी पब्लिक किहड़ी हस्ती चाहुंदी आ, उहदे ते डिपेंड हुंदा भाजी। ठीक है जी, कुछ होर कमियां हैगियां, कुछ कम होणा कमियां ते सर देखो जी, कॉलेज बनिया सीगा सरकारी कॉलेज जिस एरिए ते असीं खड़े आ, डिवेलपमेंट देखो इदां है जी, कॉलेज बनिया, कॉलेज मैडिकल कॉलेज बने, इत्थे होस्टल बनन, होस्टल दे बाद विकास दा ये है कि सर इत्थे थोड़ी चहल पहल हो जाएगी, सानू बहुत इस चीज़ का बेनीफिट होएगा, जिहड़ियां जगहां खाली है भरियां जाणगियां, थोड़ी जी रौनक लग जाएगी सर। असी इस चीज़ नूं कहिंदे आ कि कॉलेज दा विकास होना चाहिए, होर विकास होना चाहिए। थोड़ा की कहना जी इस बारे? मेरा जी फिलहाल तो डिवेलपमेंट बहुत ज़्यादा हुई है जी मार्केट के, आप डलोजी रोड पर जाने, नवा गेट बनाया साढ़े जिन्हां ने बनाया, बहुत ही वधिया बनाया जी, कि शहर की एंट्री का पता लग जाता कि साडा पठानकोट शहर की एंट्री। जनता की कहती है, चाहती है जनता, होर कुछ चाहती, जनता चाहती है कि जिहड़ा चल रहा जिदा सरकार उदा ही आए जी, वधिया सरकार। थोड़ा की कहना जी इस बारे, कुछ थोड़े इलाके दे विच प्रॉब्लम्स, कुछ समस्यावां? सब तो पहले तो सारे नमस्कार, मैं बहुतिया गल्ला नहीं करांगा सर, मैं इको ही गल कहांगा कि जो कम होया ना गरीबां वास्ते, कि जिहड़ा हर एक दा बिजली दा बिल माफ होया, ये सब तो वड्डा काम है। और जिन्होंने यह काम किया है, यहो जिहा काम मेरी 30 साल की उम्र जे मैं पहला कोई नहीं देखा जी सर। इत्थे यूथ मेरे नाल मौजूद हैगा, और इन्हां दा यह कहना हैगा कि जिहड़े काम होए हैगे ने उन्हां तो सैटिस्फाइड ने, लेकिन कुछ काम होर ये लोग चाहते हैं कि होए, जिमें कि इन्होंने दसा हैगा कि कॉलेज इत्थे जरूर हैगा, लेकिन मैडिकल कॉलेज एक जरूर होना चाहिए हैगा। पठानकोट विधानसभा के लोग की चाहते ने, की ने पठानकोट विधानसभा के लोगों समस्यावां लोगों तो जानते हैं, जना की है पठानकोट के लोग की चाहते ने, की प्रॉब्लम्स है जी हूँ भी पठानकोट के लोग फेस कर रहे हैं? पठानकोट के लोग जोड़े है ज़्यादा मेन समस्या हर बार यही कही दी है कि ट्रैफिक की है, ट्रैफिक वास्ते इतने कोई सिस्टम यहोजा नहीं बन सकिया, ट्रैफिक दे विच घरों बंदा आंदा कार लाण नूं कोई जगह नहीं हुंदी, जे एक चीज़ बनी है उन्हूं भी सिस्टमैटिकली चलाना चाहिए, इत्थे बंदे बिठाए हुए ने मगर जेड़े आंदे ने उन्हां नूं बड़ी प्रॉब्लम आती है। शहर दे विच दो तीन जगह इन्हां नूं चाहीदियां ने जिहदियां पार्किंग बनन, सब तो वड्डी पार्किंग एक तो मेन बाज़ार बननी चाहिए है, जिथे बनी हुई है उन्हूं ठीक तरह यूज़ नहीं किया जाता। दूसरा पुराना जिहड़ा वा डंगरां दा हॉस्पिटल है, इहदे उत्ते बहुत जगह हैगी है, अगर इहनूं तरीके दे नाल वरत्या जावे इत्थे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जिहड़ी है उहदे जिहड़ा गड्डियां जिहड़ियां जां स्कूटर है उहदे विच आ सकदे ने। मैं इह वी कहांगा कि फ्री सिस्टम ना करो, फ्री सिस्टम दे नाल जिहड़ा वै जिहनूं जिहनूं पैसा नहीं उह कहिंदा लाओ वेखी जाएगी, सवेरे लगी है शामी जावांगा दुपहर जावांगा, जिहले पैसे लगे होणगे उहनूं पता वै कि मैं इत्थे लगानी है, मैनूं 10 रुपये लगने ने। जिस तरह मॉल दे अगे है, मॉल वालिया ने अपनी पार्किंग हालांकि इंप्रूवमेंट दसदी आ बड़ी देर तो कल्पते पे हाँ कि यह जी सिस्टम जड़ा वै इन्होंने मॉल वालिया ने बनाया था, ये गवर्नमेंट की जगह, ये गवर्नमेंट की जगह यूज करते पे ने, आम आदमी वो ला ही नहीं सकता उत्थे गड्डी, जबकि पार्किंग बनाई है गवर्नमेंट ने। या तो उत्थे कोई यहोजा सिस्टम बनाओ जिदे नाल बाहरों बंदा आवे, कोई भी आवे वो जड़ा वै अपनी गड्डी पार्क करे, शहर नूं यह फायदा होएगा कि जिहड़ा जिहनूं पार्क करन दी जगह मिलेगी, दुकानदार जो चंगी तरीके नाल अगला खरीद सकेगा, नहीं तो उन्हूं डर हुंदा कि पिछों मेरी गड्डी कोई ना मार जाए, या मेरी पुलिस वाली गड्डी ना आए, या पुलिस वाले चलान ना कर देन। इस करके मेरी यह है कि सब तो वड्डी प्रॉब्लम इत्थे इस वेले उही हैगी है पार्किंग दी, इहनूं पार्किंग देखो, पार्किंग नूं समझाओ कि भी किस तरीके दे नाल इत्थे पार्किंग, खास करके ट्रैफिक वाले जिहड़े आ चार चार जान बंदे इक जगह खड़े हुंदे ने, तो ट्रैफिक उन्हां सामने जाम हुई हुंदी है, मगर वो ट्रैफिक वाले जिहड़े कच्चा हथ दे के आपां च गल्लां कर रहे हुंदे ने, तो ट्रैफिक हुंदा उन्हां नूं कोई सेध नहीं असर हैगा। ये सब सिस्टम जिन्नी देर ठीक नहीं होएगा उन्नी देर ट्रैफिक भी ठीक नहीं होनी, उन्नी देर होर भी सिस्टम ठीक नहीं होना। मैं तो सब तो वड्डा इत्थे दा इसलिए प्रॉब्लम है ट्रैफिक की, और ट्रैफिक नूं यह सोचना चाहिए किस तरीके नाल सुचारू रंग नाल चलाना है।
ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ, ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਜਨਤਾ? ਸਰ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਗੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬੇਸਬਾ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ, ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਚਲ ਜਾਓ ਸਿਵਲ ਹੋਸਪਿਟਲ ਦੇ ਲਾਗੇ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ 4-5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਪਾਣੀ ਇੰਨਾ ਨਾ ਸੀ, ਲੋਕ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਇੰਜਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਆਈ ਦੀਆਂ, ਵਾਇਰਲ ਵੀ ਹੋਈ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀ, ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁ ਗੰਦ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੇ ਸੀਵਰੇਜ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬਲੋਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਲੋਕੇਜ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ? ਮੈਂ ਇਸੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦਾ ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਸੇ ਲਗਾਉਂਦੇ, ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਨਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਕਾਰਡ ਦੇ ਪੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਜਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ, ਸਫਾਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਮੁੱਦਾ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਟ੍ਰੀਮਲਾਈਨ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਗੱਡੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢ ਲਓਗੇ? ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ MLA ਆ ਜਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਟਰ ਲੋਗਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਦੇਖੋ, ਸਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬਣਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਸੁਚਾਰੂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਸੜਕਾਂ ਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚੱਲ ਸਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਗਨਲ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਆਏ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਨੇਜ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਿਸਟਮ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰੇ। ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਕੈਮਰੇ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੈਮਰੇ ਸਿਟੀ ਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰਸ ਤੋਂ ਕਿ ਉਸ ਸਿਟੀ ਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਪੁਰਾਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੈਸ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜਾਮ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਿਗਨਲ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰੈਗੂਲੇਟ ਹੋਏ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਮਿਲੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਵਪਾਰੀ ਹਾਂ, ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਦਾ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਅਗਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋਏਗਾ, ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਸਟਮਰ ਆਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਨੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਮੇਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਸੋ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਡੇ ਬਾਏ ਡੇ ਬੈਠਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ, ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਿਸਟਮ ਔਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਸੁਚਾਰੂ ਕਰੋ। ਦੂਸਰਾ, ਸਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੱਬ ਬਣਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ 'ਚ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲ 'ਚੋਂ ਕੋਵਿਡ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿਵਾਲੀਆ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਬਦਲ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਵਰਕ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਡਿਜੀਟਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਕੋਡਿੰਗ ਡਿਕੋਡਿੰਗ 'ਚ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਆਪਣੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਸਤਰ ਇਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਚੱਕਣ ਕਿ ਆਮ ਵਰਗ ਜਿਹੜਾ, ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੈਕਸੀਮਮ ਮੀਡੀਅਮ ਤਬਕਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ 'ਚੋਂ 70% ਆਬਾਦੀ ਮੀਡੀਅਮ ਤਬਕਾ, ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿਖਾ ਸਕਣ, ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਕਦ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਨ, ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉੱਚਾਈਆਂ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਅੱਛੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਟੀ ਦੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਕਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਕਾਲਜ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨੋਮੀਨਲ ਫੀਸ 'ਤੇ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫੀਸ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਕਾਲਜ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹੋ ਹੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਹੋਏ ਹਰ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ, ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨਹੀਂ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਜਾਂ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਏ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੋਨ ਨਾ ਲੈਣੇ ਪੈਣ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਮੇਰੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਆਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ, ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਅੱਛੇ ਕੈਰੀਅਰ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਮੇਰੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਇੱਕ
विचार है आने वाली लीडरशिप से कि पठानकोट के स्टैंडर्ड को वधाने लई गौरमेंट डिग्री कॉलेज का होना बहुत जरूरी। थोड़ा की कहना सर, तुसी किसे टाइम भी पठानकोट दे आके देखो, बाल्मीकि चौक तो लैके और डलौजी रोड मोड़ तक हमेशा इन्ना पोर्शन चौक रहता है ड्यू टू वहीकल्स। कोई भी बंदा इस ट्रैफिक नू प्रॉपर चलान वास्ते नहीं खड़ा होता, तो ना ही जगह कि जिन्ने के लोगों ने गड्डियां पार्क कीतियां होंदियां ने, दूसरी गड्डी लगन वास्ते जगह ही नहीं होती। ट्रैफिक आले लगे हुए ने पर दुकानदार भी मजबूर है कि वह भी अपनी गड्डी कितने पार करे, क्योंकि प्रॉपर पार्किंग किधरे भी पठानकोट च एन एरिए नहीं है। प्रॉपर पार्किंग होना बहुत जरूरी है। जिहड़े भी नवे साडे लीडर साहिबान आते हैं या जिहड़े मौजूदा है या जिहड़े कारपोरेशन के अफसर है, उन्होंने इस पास विजन रखना चाहिए कि जब भी बंदा पठानकोट के शहर गांधी चौक वाले एरिया लाइटा वाले चौक एरिया तो लैके डलौजी रोड तक हमेशा ही चौक होता, तो जो मर्जी आके देख लो, ये ट्रैफिक कभी चलता ही नहीं होता, तो रुके ही होता हमेशा। खास तौर पर सिटी सेंटर मॉल वाला एरिया और लाल बत्ती चौक वाला एरिया ये चौक ही होता। गौरमेंट को चाहिए कि जी को जगह एक दो खाली पे ने उत्ते प्रॉपर पार्किंग बना, सो डैट कि बाहर तो आने वाला व्यापारी भी अपनी गड्डी पार करके अपना समान खरीद सके। जे बाहर का व्यापारी सड़क पर गड्डी ला के जाता ट्रैफिक वाले वह चलान कर देते, वह बेचारा समान खरीद जाएगा चलान वाली टुर पाता। तो पहले तो सब तो पहले पार्किंग बहुत जरूरी है, तो पानी की निकासी की समस्या जिस तरह मेरे साथियों ने दसिया कि बहुत जरूरी है। थोड़ी जी बारिश आन करके भी सारा अंदरला बाजार अंदरून बाजार जो भी अंदर वाला एरिया म्यूनसिपल बाजार सब पानी नाल भर जाता। जिहड़ा भी आए वह इस गल नू विजन रख के आए कि भाई यह समस्यावां दा पहल दे आधार ते हल कराना चाहिए। तुहाडा की कहना जी? सर जिस तरह सारियां ने दस्या हैगा भी ट्रैफिक की बहुत समस्या है, और ये सिटी का मेन चौंक है बाल्मीकि चौंक कंपलैक्स बनाया, इतने पार्किंग भी हैगी अंडरग्राउंड टू फ्लोर पार्किंग है। उत्ते सब तो मेन समस्या यह है थले परमानेंट पक्कियां गड्डियां खड़ियां जड़ियाँ कि कुछ 15-20 दिन महीना महीना भी खड़िया रहिंदिया, तो उन्हां दी समस्या क्योंकि वह तो उत्थे ही खड़िया जड़ियाँ बाहरों ट्रैफिक आ रहा हिमाचल तो जे एंड के तो जां कोई भी कस्टमर आ रहा मेन बाजार जाना कि थले पार्किंग ऑलरेडी फुल है, तो वह तो रोड पर ही खड़ी हो रही है जिहदे नाल ट्रैफिक की समस्या उत्थे दी उत्थे है एज इट जिदा हैगी है उदा ही है। मैं चाहना भी उन्हां दा हल किया जाए, जां ते उन्हां नूं प्रॉपर होर कितें जगह दी जाए जां जिहड़ी बाहरों गड्डी आ रही है उन्हों नीचे ताकि पार्किंग से जाए और बाहर रोड जरा साफ रहे और ट्रैफिक चलती रहे। सैकेंड ये काफ़ी पैसा ला के गवर्नमेंट ने कंपलैक्स बनाया बट हजे कोई भी स्टार्ट नहीं होया, 4-5 साल तो इदा ही पे एज अ डमी। पूरा रीज़न इको ही है, एक तो इतने ट्रैफिक अगे पार्किंग है सारी। सैकेंड थिंग यह है भी जेडे आए दिन इतने धरने लगते हैं कोई भी पोलीटिकल पार्टी है या कोई भी पार्टी है, ईवन डैम के भी आ जाते कोई भी मुलाजम सब इतने ही धरना देंगे, वो भी बंद होने चाहिए, थोड़ा ये बारे सोचना चाहिए। बाकी दुकाना जड़िया वो नहीं चढ़ रही, एको रीज़न है भी प्राइस बहुत ज़्यादा हाई है, तो सरकार को चाहिए भी अगर नहीं चढ़ दें तो इनू रेंट आउट करता जाए ताकि मार्केट डिवेलप हो सके, ताकि व्यापारी भी शहर के व्यापारी भी सुविधा मिले जिन्हें मार्केट चलेगी। ऑलरेडी जो चल पियाँ तो आप खरीद भी लैन गए, तो ये मेन थोड़ी सी बिल्कुल। पठानकोट के लोग जोड़े है वो दस रहे हैं कि किन्ना मुश्किलों नाल पठानकोट के लोगों को रोज़ 2-4 होना पैंदा। ट्रैफिक एक वड्डी समस्या हैगी है पठानकोट के लोगों वास्ते, इस तो इलावा भी जदों बारिश होंदी है तो वाटर लॉगिंग की भी समस्या भी पठानकोट के कई हिस्सों पैदा हो जाती है। अजय महाजन, जी मीडिया पठानकोट।